आलू कचरी बनाने लगी हूँ और डिफरेंट फूड। साथ में ट्रेनिंग चल रही है सुशो। हम बनाएंगे फ्राई पैन में। हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी, मैं रेड चिली नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये हस्बैंड के लिए बन रहा है, तो मिर्ची नहीं होगी इसमें थोड़ी। जस्ट ग्रीन चिली ऐड करूँगी मैं। अब हम मसाले ऐड करेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, और मेक श्योर कि आप सारे नॉट जस्ट 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 कलर के लिए आप चुटकी सी रेड चिली ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर दूंगी ना और फिर हम इसको चुप कर रख देंगे। आलू हो गए हैं रेडी, सिंपल सिंपल, रात में या फिर ब्रेकफास्ट में ऐसे आराम से खा सकते हैं। और ये आलू कचालू इज रेडी। सो ये अगर कोई सालन ना सालन हो भी पर दिल ना करे कि अब दोबारा खाएं, तो ये इस तरह के आलू आप बना के इजीली आप दे सकते हैं बिना मिर्चों के। उसके अंदर डिपिंग सॉस, ओके ये लुक है रोटी के। इसको गोश्त को कीमा बनाऊंगी, कीमे में मशीन से नहीं सही बना दूंगी, इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करती हूँ। सिंपल नमक मिर्च ऐड करूँगी ना, टेक्सचर कुछ इस तरह हो कि बिल्कुल कीमे की तरह, बिल्कुल धार ना आए, क्योंकि मैं कीमे वाली मशीन में नहीं बना रही लेकिन इसमें बना रही हूँ। तो ये देखें, क्योंकि उसको लहसुन अदरक नहीं बस पैटी खाना है कीमे वाला, तो इसमें नमक मिर्च ऐड किया मैंने। मेक श्योर स्लो फ्लेम रखें, क्योंकि होता है अक्सर कि फुल फ्लेम रखते हैं, पर नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हल्की आंच पे ही इसको बनाऊँ, वरना खाने से पहले घरों के जो सब नाक होते हैं ना वो अजीब सा हो जाएगा। इसमें सिर्फ नमक मिर्च और मैंने जीरा पाउडर है, नॉट एनी अदर थिंग, कुछ भी जिंजर गार्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं आते हैं। फिर सारे बना के मैं इसको कवर कर दूंगी
फॉर 5 मिनट्स। इसमें मैं देखिए किस तरह इतने खुद से ही ये पानी छोड़ा है, तो मैं चाह रही अब मैं इसको फुल फ्लेम कर दूँगी बट नॉट कवर्ड, ताकि ये अंदर तक पक जाए, बिल्कुल अंदर तक पकेंगे। देखते हैं इट्स ऑलमोस्ट डन। जो हम ये इसको हम बनाएंगे, इसको हम दरमियान से मेक श्योर आपके पास भी, इसको कौन सी नाइफ बोलते हैं पता नहीं, मैं तो ब्रेड नाइफ या केक नाइफ बोलती हूँ, मोस्टली मैं ब्रेड नाइफ ही इसको बोलती हूँ। इसको ऐसे करेंगे हम, इस पर मैं बटर के स्लाइसेस ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से, क्योंकि मेरे पास गार्लिक बटर भी अवेलेबल नहीं, अगर आपके पास गार्लिक बटर है वेल एंड गुड। पूरे बटर लगा देंगे, और अगर आपके पास ये गार्लिक पार्सले है तो नो प्रॉब्लम, हम ये ऐड कर लें आप, अगर आपके पास गार्लिक बटर नहीं है तो, क्योंकि बस स्लाइट सा मैं चाह रही हूँ कि उसका फ्लेवर आ जाए गार्लिक का ना, तो इंशाल्लाह आएगा इससे। तो अनटिल द रेड होगा थोड़ा बेक करेंगे 250, मेरा माय ओवन है 250 पे अपर ग्रिल से। अगर रेड हो जाता है तो हम उसे ओवन से निकालेंगे, सो ब्यूटीफुल। फिर इसके ऊपर मैं स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ गरम गरम के ऊपर, फिर इट्स ऑलमोस्ट डन। लाओ इसके ऊपर स्प्रेड कर दो, मैं स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करो, चलो इस पर करो और इस पर भी कर दो स्प्रेड अच्छे से, अच्छे से इस पर भी लगा दो, ताकि फिर वो कोई मसला नहीं, वो अब हो गया तो उई गुई। ओके हो गया। और अब कबाब जो बनाए थे हमने, पैटी बनाए थे वो रखेंगे, ना करें पूरे आ जाएं ने बनाए तो हैं कि पूरे आ जाएं, मैंने क्योंकि लोडेड बात चीज़ें लोडेड बहुत अच्छी लगती हैं, सो लोडेड बिस्मिल्लाह, क्योंकि जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं ना वो बहुत लोडेड खाते हैं। इसके ऊपर फिर से चीज़ करेंगे, ऐड करेंगे, और इसे हम एक मिनट के लिए, फिर सॉस ऐड कर दिया हमने, कहाँ पर करें, कहीं ये स्मॉल पीसेस कर देती हूँ मैं, होता ना पुट हियर पैचेस, यम। फिर हम इसको कवर करेंगे, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माने रहीम। ओके मेरे हाथों को थोड़ा बेर कीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा मैं बस कवर करना चाहूँगी, बस ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादा नहीं, जैसे इसको मुझे कवर करना है, चिपकाना नहीं है, जैसे ऐसे ही, क्योंकि चीज़ ऑलरेडी सब मेल्टेड बना हुआ है, बस बनने इसको हम, अब मैंने इसको एक मिनट के लिए जो रखा था मैंने इसको निकाला है, और ये कुछ सॉरी इस तरह दिखता है, ये देखें चीज़ मेल्ट हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट चीज़ मेल्टेड। डिश आउट अभी हम इसको कट करती हूँ, बिस्मिल्लाह मान रही, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह क्रीमी चीज़, सो ब्यूटीफुल, इट्स अ फाइनल लुक, इट्स अ फाइनल लुक ऑफ
स्लाइडर्स, बीफ स्लाइडर्स खा तो वो लूँगी। आप मेरी अगर वीडियोस देखते हैं तो पसंद तो उन्हें आएंगे। आज मेरी छोटी वाली बीमार थी तो आज वो स्कूल ही नहीं गई, तो उसने दोपहर में उठी वो सो के, उल्टा डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, खांसी करनी है तो पास्ता बनाया था मैंने उसके लिए सिंपल, ये रेड वाला खाना है तो ये उसने पास्ता बनवाया था। अब मैं उसको ये भी देने लगी, उसको वन ट्राई करना है क्योंकि बीफ नहीं खाते ना बाहर, सिर्फ मैं और मेरी मिडल वाली बेटी निमरा बस वो खाते हैं। इसे मैं दूंगी ये पास्ता, टेक अ बाइट, बीफ है और मैं खाऊंगी इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यम 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 यम, मस्ट ट्राई, डू ट्राई।